हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्लास सिक्स का सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री का चैप्टर एट है, द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास। और इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे। नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है और साथ ही उसको हाईलाइटेड भी किया है। तो देखिए, हाईलाइटेड से क्या है ना कि आपको इजली जो है आप समझ भी जाओगे और जब रिविजन के पर्पज से आप एक बार फिर से अगर ये वीडियो अगर आप देखोगे तो सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स देख के आप इजली समझ जाओगे कि पॉइंट्स में क्या मेंशन है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के आपके क्लास वाइज आपको इसी तरह के आपके जो भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। और जब भी आप मेरे चैनल के होम पेज पे आते हो तो वहाँ भी आपको क्लास वाइज ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और साथ ही जब आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ भी आपको आपके क्लास वाइज सारे चैप्टर जो हैं उनकी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि उसको फाइंड आउट करने में किसी भी वीडियो को, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसका लिंक। तो आप स्टार्ट करते हैं नोट्स में और देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। और देखिए, चैप्टर का नाम है द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि सबसे पहले विशाल साम्राज्य कौन सा था, एक फर्स्ट एम्पायर कौन सा था, और वो था मौर्यास का। ठीक है, तो हम बिल्कुल इस चैप्टर मौर्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मौर्यास ने इस्टैब्लिश किया था सबसे पहला एम्पायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया के इतिहास में जो सबसे बड़ा एम्पायर जिसने बनाया, जिसने इस्टैब्लिश किया, वो थे मौर्यास। अच्छा, इनके जो एम्पायर, ठीक है, इसको एम्पायर क्यों कहा जाता था? तो इसको एम्पायर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता था किंगडम से, और स्प्रेड भी काफ़ी, बहुत वास्ट एरिया में, बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता था, बहुत बड़े एरिया में फैला होता था, इसी वजह से इसको एम्पायर कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो आप याद रखिएगा कि एम्पायर क्या होता है, एम्पायर किसे कहते हैं। अब आते हैं सोर्सेज पे। तो हमें देखिए, हिस्ट्री में हमें ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ पहुँच सकते थे, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हो, तो हमें जो भी नॉलेज है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो किसी ना किसी सोर्सेज से आई है। ठीक है, तो अगर हम मौर्यास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ क्या है, ठीक है, हमें कौन सी सोर्सेज हैं जिनसे इनके बारे में पता चला। तो इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा जानेंगे इनकी सैनिक शक्ति कैसी थी, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी उस टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे किस तरीके का था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और सोर्सेज के द्वारा ही पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सोर्सेज में देखिए किस तरह के सोर्सेज हमारे पास हैं। तो कुछ मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमें मिले हैं मौर्यास को जानने के लिए, तो वो दो बुक्स हैं जो हमें मिली हैं, एक है इंडिका बाय मेगास्थेनेस और एक है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। ठीक है, तो इंडिका जो किताब थी वो मेगास्थेनेस ने लिखी थी और जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य ने लिखी है। अच्छा, आपको यहाँ से आप याद रखना, देखिए हाईलाइटेड है तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने हाईलाइट किया और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। फिर आपका देखिए, ये जो किताबें लिखी गई, जो बुक्स हैं, जो सोर्सेज हैं, तो इनमें किसी ना किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल लिखा होगा, तो कौन सी चीज़ों पे लिखा गया है, ठीक है, क्या टॉपिक इसमें रहे। तो इंडिका किताब में पॉलिटिकल, सोशल और जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी लाइफ की ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, उस टाइम में मौर्यास के टाइम पे किस तरह का वहाँ का राजनीति और सामाजिक और आर्थिक तौर पे किस तरह से लोग वहाँ का जीवन यापन करते थे, किस तरह की उनकी ज़िंदगी थी, तो उनके बारे में जो है वो इंडिका नाम की किताब में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र जो है रिलेटेड टू इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे हाउ टू गवर्न एन एम्पायर, किस तरह से एक एम्पायर को रूल करना है, गवर्न करना है, तो उसके बारे में जो ट्रिक्स, जो भी बातें लिखी गई हैं वो अर्थशास्त्र बुक में लिखी गई थी। इसके अलावा और भी कई सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि रॉक्स हैं, पिलर्स हैं एम्पायर अशोका के, जो इक्वली वैल्यूबल हैं इन तरह के सोर्सेज के, जिस तरह से किताबें वैल्यूबल हैं उसी तरह से जो रॉक्स और पिलर्स हैं उस टाइम के, जो रॉक्स और पिलर्स एम्पायर अशोका ने लगवाए थे, जगह जगह बनवाए थे, तो वो भी एक वैल्यूबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। इनमें देखिए कुछ एडिक्ट्स वर इंस्क्रिप्ट ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स, इन्हीं में कुछ जैसे अनाउंसमेंट होती है, जैसे कोई भी कानून लॉ बनाया जाता था, किसी भी तरह की अनाउंसमेंट होती थी तो उसको इंस्क्रिप्ट, उसको लिखवाया जाता था। ठीक है, एडिक्स मतलब कह सकते हो कि अनाउंसमेंट ऑफ लॉ, किसी भी तरह की अनाउंसमेंट होना, तो उसको इंस्क्रिप्ट यानी लिखवाया जाता था, किस पे, रॉक्स पे और स्टोन पिलर्स पे, ठीक है, पत्थरों के पिलर्स पे लिखवाया जाता था। इसके साथ ही इस तरह की जो इंस्क्रिप्शंस थी, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखवाई जाती थी जब पत्थरों पे, दीवारों पे, पिलर्स पे जो चीज़ें लिखवाई जाती थी, तो इंस्क्रिप्शंस और जो कॉइन्स थे, क्योंकि कॉइन्स पे भी आप देखते हो, जिस तरह से आज भी काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस ईयर का कॉइन है, कितने रुपये का है, इसी तरह से उस टाइम भी
जो कॉइन्स होते थे तो राजाओं के वहाँ पे उस इमेजेस भी इंस्क्रिप्ट की जाती थी, ठीक है, और ईयर भी मेंशन किया जाता था, नाम मेंशन किया जाता था. तो कॉइन्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमेशा रहे. अब आते हैं मौर्यन एम्पायर्स पे. तो देखिए कौन कौन से महान राजा थे जो मौर्य वंश से बिलोंग करते थे. तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और ये फर्स्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य. इन्होंने लास्ट जो नंदा रूलर थे 321 BCE में, उनको हटा के ये राजगद्दी पे बैठे थे. और इसको इनको जब ये राज करने गए तो इनको सपोर्ट मिला इनके मिनिस्टर के द्वारा, और इनका मिनिस्टर थे चाणक्य, जिनको और भी उनके दो नाम थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है, तो इन नामों से भी इनको जाना जाता है. तो आप याद रखिएगा, देखिए आगे चल के आपके आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य के दूसरे नाम बताइए. तो चाणक्य को याद रखिएगा, ये मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य के, और इनको इनके अलग और भी कोई नाम थे, तो वो थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त. इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त ने सबसे पहले जो है कॉन्कर्ट किया, कहाँ पे विजय प्राप्त की, तो मगध में इन्होंने विजय प्राप्त की. साथ ही इसने सेलुकस निकेटर जो कि एक जनरल था ग्रीक किंग का, ग्रीस देश का अलेक्जेंडर, ठीक है, उसका ये जनरल था सेलुकस निकेटर, उसको भी हराया था. अब आते हैं नेक्स्ट रूलर पे. तो बिंदुसारा जो था वो नेक्स्ट रूलर था मौर्य वंश का, और ये चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त वो सक्सेडेड बाई हिज सन बिंदुसारा, यानी चंद्रगुप्त का बेटा था. ही डिफीटेड द रूलर्स, उसने किसको हराया था, तो उसने 16 किंगडम्स के रूलर्स को हराया था, और साथ ही उनके लैंड्स को अपने एम्पायर में जोड़ा था और अपने एम्पायर को विशाल बनाया था. अंडर हिम द मौर्यन एम्पायर जो था वो स्प्रेड हो गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था, होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था. बस जो कलिंग था, जो आज ओडिशा, जिसको हम प्रेजेंट डे में ओडिशा राज्य जानते हैं, वो वाला एरिया उसको उस टाइम कलिंग के नाम से बोला जाता था. तो सिर्फ कलिंग पे उसने विजय नहीं प्राप्त की थी, बाकी जितना भी आप कह सकते हो होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो मौर्यन एम्पायर के में ही मिला हुआ था, समाहित था. और कुछ फ्यू किंगडम जो साउथ में थी वो उनको छोड़ के बाकी सारे जो इलाके थे वो मौर्यन एम्पायर में आते थे. अब आते हैं नेक्स्ट एम्पायर पे, जो कि बहुत ही महान रूलर रहा मौर्य वंश के, तो ये थे एम्पायर अशोका. अशोका जो था वो मोस्ट फेमस मौर्यन किंग है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स भी है अब तक के. अशोका ने बहुत अच्छे से गवर्न किया अपने किंगडम को. और अब आते हैं कलिंग वॉर पे. तो देखिए कलिंग वॉर एक, अब जितने भी पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये सारी सारी अशोका से रिलेटेड है, ठीक है. और ये देखिए मैंने कलर यहाँ पे चेंज कर दिया, और सब हेडिंग्स हैं ये सब के सब, और ये अशोका के अंदर ही आती हैं. चंद्रगुप्त और बिंदुसारा का जितना भी कॉन्टेंट था, जिसको आपको जो याद रखना था, वो अब यहाँ पे ओवर हो चुका है. तो अब अशोका के बारे में जान लेते हैं. तो अशोका की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट जो था वो कलिंगा वॉर, और कलिंग वॉर की वजह से ही बहुत आप कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से बुद्धिज़्म उसकी लाइफ में आया और किस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो गई, तो वो पूरा का पूरा जो है हम कलिंग वॉर के बारे में जानेंगे. कलिंग आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि बिंदुसार के टाइम तक ये जो कलिंग था, जो आज प्रेजेंट डे में ओडिशा है उसको छोड़ के और साउथ के कुछ एरियाज़ को छोड़ के बाकी जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भाग था वो मौर्य एम्पायर में ही आता था, मौर्यन एम्पायर में आता था. तो कलिंग वॉर देखिए जब हुआ तो अशोका बिकेम द किंग. जब ये दौर आया कि कलिंग का वॉर होने वाला है, तो उस टाइम अशोका जो था वो राजा था और राजगद्दी पे विराजित था. तो कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल. तो ये चीज़ हमने पहले ही जान ली है कि कलिंग उस टाइम एक ऐसा ओनली किंगडम था जो मौर्यन कंट्रोल में नहीं था. और कलिंग की आपको विशेषता ये जानिए क्यों इसको समाहित करना ज़रूरी था, क्योंकि कलिंग जो था एक इम्पॉर्टेंट एरिया था और ये कंट्रोल करता था लैंड और सी रूट्स टू साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया. तो यहाँ के आप कह सकते हो कि अगर ये आपके पास आ जाए तो इससे ईजिली आप लैंड और सी रूट से कनेक्ट हो जाओगे साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से. तो इस वजह से इस पर कंट्रोल करना ज़रूरी भी था. तो अशोका ने अटैक किया कलिंग पे और इसको जीत भी लिया, ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक बैटल, ठीक है, उसमें लड़के इसको विजय प्राप्त हो गई अशोका को कलिंग पे. बट देखिए कभी कभी होता है जीतने के बाद भी इंसान हार ही जाता है, तो ऐसे कुछ यहाँ भी हुआ कि द वॉर विद कलिंगा वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका. कि अशोका की ज़िंदगी में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा एक वॉर है जो अशोका की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में काम किया या साबित हुआ, तो ये है कलिंग वॉर, ठीक है, आप यहाँ से याद रखिएगा. और यहाँ पे क्या हुआ, जब इतनी डेथ डिस्ट्रक्शन और सफरिंग हुआ, इतनी मृत्यु, इतने विनाश हुआ, इतना दुख हुआ, तो इसको देख के क्या हुआ, इस वॉर में अशोका बहुत दुखी हो गया. और जब वो दुखी हो गया तो देखिए उसने क्या उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अशोका इज धर्म, ठीक है. तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो अशोका धर्म, धर्म यानी धर्म, ठीक है. अब उसको क्या विचार आए, क्या उसकी एक न्यू थिंकिंग उसकी ज़िंदगी में आई, तो धम्मा जो देखिए आप यहाँ पे समझिएगा, धम्मा जो है वो एक प्राकृत वर्ड है, ठीक है,
जैसे हम धर्म बोलते हैं तो यो ही है यहाँ पे, धर्म जो है एक प्राकृत वर्ड है, और ये संस्कृत टर्म में इसको बोले तो संस्कृत भाषा में इसको धर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है, आपकी धार्मिक एक ड्यूटी बनती है। तो अशोका गेव अप, तो अशोका ने अब जो पहले वो पॉलिसी एक कर रहा था कॉन्क्वेस्ट, जब वो अटैक करता था एक विजेता के रूप में कि हाँ दिग्विजय, तो इस पॉलिसी को वो फॉलो कर रहा था कि अटैक करो, कॉन्क्वेस्ट करो और जीत अपनी करो, तो दिग्विजय की पॉलिसी को वो फॉलो करता आ रहा था अब तक के वॉर में। बट कलिंग वॉर के बाद उसने एक नई पॉलिसी को अपनाया और ये पॉलिसी थी धर्म विजय, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म, यानी विजय तो करो पर धर्म के मार्ग पर चलते हुए करो। तो स्प्रेडिंग धर्म बिकेम अशोकाज गोल इन लाइफ। तो जब उसने एकदम ये चेंज कर ली पॉलिसी कि पहले वो चाहता था कि विजय करो और वॉर के द्वारा विजय प्राप्त करो, तो अब उसका नई पॉलिसी हो गई थी कि अब विजय करो तो धर्म के तौर पे या धर्म के द्वारा विजय प्राप्त करो। तो यही अशोका का एक नया गोल बन गया उसकी ज़िंदगी का कि अब उसे धर्म जो है वो स्प्रेड करना है हर तरफ। और आप देखिए क्या प्रिंसिपल्स हैं धर्म के, तो क्या एक मेन सिद्धांत जो होते हैं, सिद्धांत होते हैं धर्म के, तो वो कौन कौन से हैं। तो द एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ धर्म। तो मैंने आपको एडिक्ट्स बताया था, किसी तरह के अनाउंसमेंट, किसी तरह के कानून या किसी तरह के धर्म को ही अनाउंस करना। तो इस तरह के जो एडिक्ट्स थे अशोका के, उसमें मीनिंग ऑफ धर्म को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ बताया गया है। और ये देखिए कोई ऐसा नहीं है इसमें धर्म में कि इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, ठीक है। धर्म से मतलब ये नहीं कि भगवान की पूजा करने बैठ जाओ, वर्शिप ऑफ अ गॉड और सेक्रीफाइसेस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये धर्म का मतलब नहीं था इसके अकॉर्डिंग। धर्म का क्या मतलब है ये देखिए, इसका धर्म का मतलब ये था कि एक कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ नियम कानून को पालन करो अपनी ज़िंदगी में, और जो मॉरल्स हैं टू बी फॉलोड, कि जो भी नैतिक, जो भी मूल्य आपके नैतिक वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, उसको फॉलो करो। जैसे सच बोलना है ना, ईमानदारी से काम करना, तो इस तरह की जो कोड ऑफ कंडक्ट है और मॉरल्स हैं उसको फॉलो करना है। ये इसका अशोका के मेन धर्म के जो हैं पॉइंट्स हैं। इसके बारे में हम और भी आगे जानेंगे। देखिए आप जो मैंने रेड हाईलाइटेड लिखे हैं पॉइंट्स, वो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और ये जो इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ अशोका, ये इंस्पायर्ड हुआ टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, ठीक है। अच्छा, थ्रू धर्म अशोका वॉन्टेड टू स्टील द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। इसके साथ ही अशोक चाहता था कि धर्म के द्वारा ही वो समावेश, इंस्टेंट मतलब समावेश करे अपने अंदर स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इन द पीपल। तो इस तरह की वो चाहता था कि इस तरह के मॉरल वैल्यूज जो हैं वो सभी इंसानों में, सभी पीपल में जो हैं वो आए। अब देखिए जो रेड हाईलाइटेड है, मैंने जैसे आपको बताया, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो अशोका चाहता था कि उसके धर्म के अनुसार वो फॉलो हो। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बुद्धिज्म को वो मानता था। तो स्पीक द ट्रूथ, जैसे मैंने बोला सच बोलना, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, हर किसी के धर्म की जो है रिस्पेक्ट करना, पाथ ऑफ अहिंसा, कभी भी वॉयलेंस ना करना, ठीक है, नॉन वॉयलेंस का पाथ को फॉलो करना, प्रैक्टिस चैरिटी टूवर्ड्स द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको, उनके लिए चैरिटी करना, उनको डोनेशन देना, ठीक है, ओबे दियर एल्डर्स, साथ ही अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर करना जो आपसे बड़े हैं, और सबसे काइंड रहना, इंक्लूडिंग चाहे सर्वेंट्स हों, चाहे स्लेव्स हों, चाहे गुलाम हों, तो उनसे भी काइंड रह के बात करें, और साथ ही मिलजुल के पीसफुली रहें। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, मेन प्रिंसिपल्स थे धर्म के। अब आते हैं वेलफेयर मेजर्स में, तो किस तरह के और भलाई के काम करे अशोका ने। तो अशोक ने देखिए वो डीपली कंसर्न था अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बहुत ही वो चाहता था मन से के लोगों की भलाई करना, उसके एम्पायर के लोगों की। इसलिए देखिए उसने बहुत सारे रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया, साथ ही ट्रीज लगाए रोडों के चारों दोनों तरफ, जिससे कि की छाएँ रहे और कोई मुसाफिर है तो अगर वो थक खार के बैठता है तो उसको छाएँ मिले। साथ ही अलोंग द रोड्स उसने रेस्ट हाउसेज भी बनवाए थे, जैसे तो सराएँ बनवाई थी रेस्ट हाउसेज, जहाँ पे ट्रैवलर्स जो हैं वो रेस्ट कर सकें। साथ ही कुएँ खुदवाए थे तो प्यासे जो हैं वो पानी पी सकें। हॉस्पिटल्स बनवाए थे और पीपल के लिए भी, सब इंसानों के लिए, साथ ही जानवरों के लिए भी उसने हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनवाए थे। इसके अलावा वो रेगुलरली टूर भी करता था अपने एम्पायर का और देखता था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको, उसके जो सब्जेक्ट्स की जो प्रजा होती उसकी जो प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पे प्रजा है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रजा है उसकी, तो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको भी वो ट्राई करता था कि वो उसको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दे। अब आते हैं स्प्रेड ऑफ धर्म, कि किस तरह से उसने जो धर्म था उसको किस तरह से स्प्रेड किया। तो अशोक ने फॉलो किया प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म इन हिज डेली लाइफ, कि उसने अपने रोज़मर्रा के, ऐसा नहीं है देखिए दूसरों को सिखाने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि अपने ऊपर वो चीज़ को लागू की जाए। तो इसी तरह से अशोक ने भी वो अपने उस प्रिंसिपल्स जो धर्म के थे उसको बिल्कुल फॉलो करता था अपनी डेली लाइफ में,
और तभी जब वो फॉलो करता था खुद, तो वो चाहता था कि दूसरे लोग भी उसको फॉलो करें। तो अशोका ने इशू किए एडिक्स, ठीक है, विच कंटेन, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म के सब मेंशन किए गए थे, एडिक्स मतलब अनाउंसमेंट की गई, और ये 14 रॉक एडिक्स उसने बनवाए, साथ ही 7 पिलर एडिक्स थे जिसमें उसने पूरे के पूरे इन चीज़ों को लिखा, मॉरल प्रिंसिपल्स को किस तरह से इनकरेज किया जाए। और मोस्ट ऑफ दिस एडिक्स जो थे, जो भी एडिक्स थे, वो किस भाषा में थे, वो किस स्क्रिप्ट में थे, तो वो थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और लैंग्वेज कौन सी थी, भाषा थी प्राकृत, ठीक है, तो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी स्क्रिप्ट थी, कौन सी लैंग्वेज थी, तो आपको याद रखना है कि स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी थी और जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। अशोक ने अपॉइंट किए थे कुछ ऑफिशियल्स भी इसके लिए, जिनको धर्म महामंत्रास कहते थे, और इनका काम था स्प्रेड करना धर्म को हर तरफ। इसके साथ ही देखिए, अशोक ने अपने जो इनके सन था, ठीक है, महेंद्र, और जो बेटी थी संघमित्र, उसको भी ना विदेशों में, आप कह सकते फॉरेन कंट्रीज में भी भेजा था, और संघमित्र महेंद्र को तो श्रीलंका में भेजा था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसी तरह से वो चाहते थे कि अपने ही देश में नहीं बल्कि अलग अलग हर जगह पे जो है ये धर्म का प्रसार हो सके। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, मौर्यन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी देखिए एक प्रॉपर वे में था। वो डिवाइडेड था 4 डिविजन्स में, 4 पार्ट्स में आप कह सकते हैं। तो एक सेंट्रल था, फिर प्रोविंशियल था, फिर डिस्ट्रिक्ट और विलेज, जैसे आज भी होते हैं सेंट्रल स्टेट, है ना, लोकल लेवल पे, उसी तरह से उस टाइम पे देखिए सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। तो प्रोविंशियल मैंने कई बार आपको बताया भी, और आई थिंक 7th-8th में कई बार बताया है ये चीज़ भी, कि प्रोविंशियल जो है वो स्टेट्स, जिस तरह से आज स्टेट्स होते हैं तो उस टाइम से प्रोविंशियल होते थे। तो सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ ही देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एक जैसा ही फॉलो होता था, बट जो सिटी थी, ठीक है, जो कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो सेपरेट था। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपको यहाँ पढ़ोगे आप, तो वो पाटलिपुत्र में फॉलो नहीं होता था, पाटलिपुत्र के लिए अलग था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब आते हैं सेंट्रल पे। तो देखिए सेंट्रल में सबसे पहले, क्योंकि सेंट्रल एक हायर अथॉरिटी कह सकते हो आप, तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था, और वो क्योंकि किंग है तो भाई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है उसके एम्पायर से रिलेटेड, जो कंसर्न करते हैं उसके एम्पायर से रिलेटेड, तो वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता था। उसमें उसकी मदद कौन करता था, तो देखिए वो उसके बाद राजा के बाद कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे और वो किंग्स के एडवाइजर्स के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है प्रोविंशियल। तो प्रोविंशियल लेवल पे देखिए प्रोविंसेस बनी होती थी और हर एक प्रोविंसेस पे एक प्रिंस होता था और ये रूल होते थे, ठीक है, प्रोविंसेस एज अ रिप्रेजेंटेटिव द किंग एंड वॉज असिस्टेड बाई मैनी ऑफिसर्स। तो ये जो कह सकते हो कि ये जो प्रिंस है ये रूल करता था प्रोविंस पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, यानी किंग का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो वहाँ पे रूल करता था, और साथ ही उसमें उसकी मदद जो है कुछ ऑफिसर्स उसको असिस्ट करते थे, उसके नीचे रहते थे ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने तो प्रोविंसेस जो थी उसके बाद प्रोविंसेस किस में बटी होती थी, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में बटी होती थी और हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो प्रदेशता होता था, उसको प्रदेशता बोलते थे, तो याद रखिएगा। और प्रदेशता को भी असिस्ट करते थे कुछ लोग, जिस तरह से राजा को करते थे, जिस तरह से प्रिंस को करते थे, ठीक है, उसी तरह से देखिए प्रदेशता जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता था उसको भी युक्ताज और राजुकज जो थे वो असिस्ट करते थे। और ये क्या क्या काम करते थे, तो ये मेजरिंग लैंड को किस मेजर करना है, टैक्सेस को कलेक्ट करना है, लॉ को मेंटेन करना, ऑर्डर को मेंटेन करना, तो ये सारे काम जो है वो करते थे। नेक्स्ट आते हैं विलेज लेवल पे। तो देखिए नंबर ऑफ विलेजेस जो थे वो मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाते थे और विलेजेस जो थे वो असिस्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मार्किंग द विलेज। तो विलेजर्स जो थे उनको कौन असिस्ट करता था, कौन यहाँ पे वो असिस्ट होते थे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे यहाँ पे, जो क्या काम करते थे, वो विलेज की बाउंड्रीज हैं, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स हैं, कलेक्ट करना है टैक्सेस को, तो ये सारे काम करते थे। और हर एक विलेज में जो है एक हेडमैन होता था जो विलेजेस के द्वारा ही चुना हुआ होता था। पाटलिपुत्र में आते हैं तो नेक्स्ट देखिए पाटलिपुत्र, ठीक है, जो मैंने बताया था कि कैपिटल सिटी होती थी उस टाइम इस एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर की, और साथ ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दूसरा था। तो पाटलिपुत्र कैपिटल थी इस एम्पायर की, साथ ही ये सराउंडेड थी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल है तो सुरक्षा के उसमें तो पर्पज से आप देखो तो बहुत ज़रूरी है। तो वुडन वॉल्स से सराउंडेड थी और 64 गेट्स थे, 570 टावर्स थे जो निगरानी के लिए काफ़ी काम आते थे, और देयर वॉज अ मोट अराउंड द सिटी फॉर प्रोटेक्शन, साथ ही प्रोटेक्शन के पर्पज से पूरी सिटी के चारों तरफ, ठीक है, मोट जो है वो खोदी जाती थी, यानी खाई, ठीक है, खाई खोदी जाती थी जिससे कि कोई भी एनिमी जो है वो सीधे एंटर ना कर पाए। कमेटी यहाँ पे 30 मेंबर्स की कमेटी होती थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखती थी, और इस कमेटी को भी बांटा जाता था ताकि हर एक विभाग को डिफरेंट डिफरेंट काम दिया जाए और हर एक विभाग जो है डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से करे। तो इसको 6 बोर्ड्स में बांट दिया जाता था और हर एक 6 बोर्ड्स में 5 मेंबर्स होते थे।
अब आते वर्क, तो इनका क्या क्या काम था, ठीक है, जो ये 30 मेंबर्स की कमेटी है उसको 6 बोर्ड्स में बांटा और 5 मेंबर्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कर दिए। और इनका काम क्या है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन करना बर्थ और डेथ का, इंडस्ट्री ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड काम करते थे, कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी फॉरनर्स, जो फॉरनर्स आते थे यहाँ पे, ठीक है, जो ट्रैवलर्स आते थे यहाँ पे तो उनकी सिक्योरिटी करना, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि है ना बाहर देश के काफ़ी सारे लोग फॉरनर्स जो हैं ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ आते थे मौर्य वंश को देखने, साथ ही इनके बारे में लिखने के लिए आते थे, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंस्पेक्ट करना, तो ये सारे काम इनके होते थे। नेक्स्ट आते हैं आर्मी पे, तो देखिए मौर्य आर्मी क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था और इतने सारे एरिया पे अगर राज किया है तो ये क्रेडिट थोड़ा सैनिकों पे को भी जाता है, आर्मी को भी जाता है, क्योंकि किसी भी देश की अगर आर्मी स्ट्रांग है तो वो कंट्री जो है वो अपने एरिया को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है, साथ ही वो ज़्यादा एरिया पे राज भी कर सकती है। तो ये पुराने समय से ये चीज़ें फॉलो होती आई हैं। तो मॉडर्न आर्मी में देखिए आपको फुट पैदल चलने वाले सैनिक मिल जाएंगे, आपको घोड़े हाथी पे चलने वाले और साथ ही रथ भी आपको मिल जाएंगे। सेनापति जो होता था वो हेड ऑफ द आर्मी होता था, सेपरेट डिपार्टमेंट होता था इवन, जहाँ पे पूरी निगरानी के साथ देखा जाता था, वहाँ पे उसको जिम्मेदारी होती थी कि किस तरह से वेपन्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उनकी रखवाली करनी है, तो एक उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता था। देखिए सैनिक भी क्या करेंगे अगर उनके पास हथियार ही नहीं होंगे, तो हथियार की तो आवश्यकता होती है, तो इस वजह से हथियारों के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट को बनाया गया था जो पूरा का पूरा लुक आफ्टर देखेंगे अच्छे से वेपन्स के लिए। और इसके साथ ही देखिए स्पाइस, वहाँ पे जासूस भी होते थे और बहुत सारे जो जासूस थे वो वीमेन भी होती थी। रेवेन्यू देखिए तो लैंड रेवेन्यू एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था और जो भूमि कर आता था, और ये 1/4 और 1/6 होता था प्रोडक्शन प्रोड्यूस के हिसाब से, जिस हिसाब से फर्टिलिटी होती थी सॉइल की, तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो उस हिसाब से टैक्स जो है वो इम्पोज होता था, वो फिक्स होता था और इसको बार बार बदला नहीं जाता था। रेवेन्यू जो है वो ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेड, और इसके साथ ही जो ट्रेड व्यापार होता था उससे रेवेन्यू कर मिलता था, और भी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम थे जैसे फॉरेस्ट हुआ, माइंस हैं, कस्टम ड्यूटीज थी, फाइन्स लगाए गए है ना, कोई भी कोई क्राइम करता तो फाइन लगते थे, गिफ्ट्स होते थे, तो इस तरह के जो ट्रैवलर्स आते थे तो गिफ्ट भी लेके आते थे, तो ये एक तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम होते थे। अच्छा, ये जो पैसा का जो पूरा का पूरा एक टैक्स कलेक्ट होता था तो इसका उपयोग कहाँ होता था, तो इसका उपयोग होता था मेंटेनिंग द आर्मी, ठीक है, बिल्कुल आर्मी को मेंटेन करने के लिए, सोल्जर्स को हायर करने के लिए, उनकी सैलरी देने के लिए, वेपन्स प्रोडक्शन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए मनी इसका इस्तेमाल होता था, सैलरीज को देना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो इतने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं उनकी सैलरी को देना, और चैरिटीज़, ठीक है, क्योंकि वेलफेयर करना है, पब्लिक के लिए काम करना है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करानी है, कुएँ खोदने, तो इन सब कामों के लिए भी पैसे का इस्तेमाल होता था, तो बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए भी इन सारे जो पैसे थे उनका इस्तेमाल होता था। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।